भारतीय क्रिकेट लीग का छठा मैच किंग्स इलेवन पंजाब बनाम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। किंग्स ने चैलेंजर्स पर एक बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन इस मैच की हाईलाइट कुछ और रही। दरअसल मैच में जब विराट कोहली बैटिंग करने आए तो उस वक्त कमेंट्रेटर द ग्रेट सुनील गावस्कर ने विराट कोहली पर तंज कसते हुए कह दिया कि इस लॉकडाउन में विराट ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस के नाम पर इन्होंने सिर्फ पत्नी अनुष्का शर्मा की गेंदें खेली हैं। इस स्टेटमेंट के बाद सुनील गावस्कर को फैंस ने काफी ट्रोल किया है, यहां तक कि उनको कमेंट्री पैनल से हटाने तक की बात हो गई। इसके बाद सबको इंतजार था अनुष्का शर्मा के जवाब का, और ये इंतजार भी खत्म हुआ। अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपने मन की बात कही है। अनुष्का ने लिखा है कि मिस्टर गावस्कर, आपका ये मैसेज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को एक्सप्लेन करें कि आपने एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का जिम्मा उसकी पत्नी पर कैसे डाल दिया, और क्या सोचकर आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया। आप इतने सालों से कमेंट्री करते हुए खिलाड़ियों की प्राइवेट लाइफ को जरूर ध्यान में रखते होंगे, आपको नहीं लगता कि मेरे और विराट के केस में भी आपको ऐसा करना चाहिए? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास कई और शब्द और वाक्य रहे होंगे बीती रात मेरे पति की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, और ये काम आप बिना मेरे नाम के इस्तेमाल किए कर सकते थे। ये साल 2020 है, लेकिन जाने कब मेरे लिए चीजें बदलेंगी। आखिर कब तक मेरे पति की परफॉर्मेंस के लिए मुझे घसीटा जाएगा और ऐसे स्टेटमेंट्स पास किए जाएंगे। रेस्पेक्टेड गावस्कर सर, आप इस जेंटलमैन गेम में बहुत बड़ा नाम है। आपका स्टेटमेंट सुनने के बाद मैंने जो फील किया, मैं बस उसे आपसे कहना चाहती थी। आपको बता दें कि इसके पहले भी अनुष्का शर्मा को विराट की परफॉर्मेंस के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, चाहे वो विश्व कप 2015 हो या फिर साल 2017 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया और आईपीएल की पल पल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।